वरना आपका रिश्तेदार होना, आपका पड़ोसी होना, आपका नेता होना, आपका समाज सेवी होना, सब पर लानत है। जब तक आप अपने बंदूक ले खड़े नहीं हो रहे, जब तक दूसरे के दुख को आप अपने हृदय में नहीं महसूस करते हो, जैसे बाबा साहब ने किया। बाबा साहब चाहते तो क्या नहीं पा सकते थे? अरे बाबा साहब अगर पैसा कमाना चाहते तो एवरेस्ट की जितनी ऊंचाई है ना, इस पूरे विश्व के, इस पूरे धरातल के सबसे विद्वान व्यक्ति थे, और उन्होंने दबे कुछ लोगों के अपना पूरा सच्ची तरीके से बाबा साहब को भी नहीं मानते। अगर बाबा साहब को मानते तो उनके बनाए हुए रास्ते पर हम चलते, लेकिन आज फिर भी आज एक मौका आपके पास आया है। ये दुख की घड़ी है, अगर इस दुख की घड़ी में भी आप एक से इकट्ठे नहीं हुए, संगठित नहीं हुए, तो आपका धरना विरोध प्रदर्शन सब बेकार है। क्योंकि आज भी हमारी जो छवि है, जैसे कि भाई प्रेम कुमार विद्यार्थी जी ने बोला था, आज भी अनुसूचित जाति के लोगों की छवि, चाहे वो करोड़ों में हो, 35 करोड़ है अनुसूचित जाति के लोग, लेकिन आज भी उनकी छवि बकरी के समान है। और बकरियों की क्या दी जाती है? शेरों की कभी बलि दी गई है क्या? तो आज आपको बकरी से शेर बनना है। क्या बनना है आपको? शेर बनना है, क्योंकि जब तक आप शेर नहीं बनाओगे तो तब तक आपकी बकरी भी जाती रहेगी। इसीलिए आज से कसम खा के जाओ कि अगली बार जब आपको बुलाया जाएगा आप अकेले नहीं आओगे, आप अपने मित्रों को, साथियों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को लेकर आओगे, और तुम्हारा अपने बच्चों को लेकर जाओ। अरे आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए अपने बच्चों को भी संघर्ष करना सिखाओ। और अभी बड़ी तादाद में हम जो लोग एसडीएम साहब के पास जाएंगे, वहाँ हम जो ज्ञापन देंगे वो माननीय राज्यपाल जी के पास जाएगा, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा, और पुलिस के आईजी साहब के पास जाएगा, और सारे तंत्र में, शासन में, प्रशासन में उसकी ईमेल की कॉपी जाएगी। तो इसलिए आज से ये जो हमारा ये विभिन्न ये जो कार्यक्रम है, हमारा आंदोलन का ये जो कार्यक्रम है, आज उसकी शुरुआत है। तो इसलिए आप अपने मन में ये कसम खा के उठे कि अगली बार जब आपको बुलाया जाएगा आप पूरी शक्ति से आओगे। आओगे कि नहीं? अगर आपको धरना विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली में भी जाना पड़ा, रामलीला मैदान को भरने के लिए आओगे कि नहीं? क्योंकि जब तक आप कुछ बड़ा नहीं करोगे, आपका जो अधिकार है, जो बाबा साहब ने, आप क्या समझते हो कि आपको पूरा जो अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दे रखा वो मिल चुका है? अरे नहीं मिला। आज मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, मध्य प्रदेश में दलित समाज के दूल्हों को घोड़ी से उतार दिया था, वो बात सच है कि नहीं? तो यही तो है जो सेक्शन 14 है, राइट टू इक्वालिटी, सबको बाबा साहब ने संविधान के अंदर बराबर का अधिकार दे रखा है, लेकिन आज भी समाज के अंदर बराबर का अधिकार नहीं है। अरे आज भी ये देखो, हिमाचल प्रदेश चले जाओ, पहली बात तो ये मंदिर तुम्हारे लिए बने नहीं है, फिर भी मंदिरों के बाहर पता है क्या लिखा है? कितनी बड़ी गाली लिखी है, शूद्रों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। किसी के बाप के नहीं है मंदिर, लेकिन शूद्रों को तो खैर उसमें जाना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो वो तुम्हारे लिए बने ही नहीं है। लेकिन उसके खिलाफ भी बात उठाओ, क्यों? क्योंकि आपको बाबा साहब ने डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर बराबरी का हिस्सा दे रखा है। अरे लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति हो तुम, जब तक तुम इस बात को नहीं जानोगे, जब तक इस सत्य को नहीं आप जानोगे, तब तक आपको पता ही नहीं रहेगा। अरे जब तक, जैसे कोई हीरा होता है और हीरे को अपनी कदर नहीं मालूम होती है, कोई जौहर उसको देखता है तो उसको मालूम होती है कि ये हीरा है, ऐसे आप हीरा हो, बाबा साहब ने आप सबको हीरे बना दिया है। अरे आपको वोट देने का अधिकार, आपको सरकार बनाने का अधिकार दे दिया है, लेकिन आप उसको, जो आपका वोट देने का अधिकार है, जो ब्रह्मास्त्र आपको बाबा साहब ने दिया, उसका आप सही तौर पर प्रयोग नहीं करते हो। अगर आप सही तौर पर प्रयोग करते तो आपके अपने विधायक होते, आपके अपने सांसद होते, मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री आपके घर का होता। ये इस मन से आपको मैं कह के जा रहा हूं, लेकिन अभी भी इट इज नेवर टू लेट इन लाइफ, अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी सोच समझ के आगे बढ़ो, और अगले जब भी आपको बुलाया जाए आप पूरी शक्ति से आओ। आपने मेरी बात को सुना, मैं अपने शूद्र समाज की ओर से ये एक चार लाने कहूंगा, मेरी सारी बात आ जाएगी कि शूद्र समाज को मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, शूद्र समाज को मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, क्योंकि हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम।